हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। ब्लू चिप स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स मार्केट में दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं और इनके बीच का डिफरेंस समझना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी जरूरी होता है। इन दोनों स्टॉक्स का मेन ऑब्जेक्टिव और नेचर अलग अलग होता है। आइए इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। लेकिन गाइज, एज यूजुअल, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन नोटिफिकेशंस टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस। चलिए आगे बढ़ने से पहले ब्लू चिप और पेनी स्टॉक्स को अच्छे से समझ लेते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिनका बिजनेस काफी ज्यादा स्टेबल होता है और ये कंपनीज लगातार पिछले 10 साल से प्रॉफिट कमा रही होती हैं। ये कंपनीज अपने सेक्टर को डोमिनेट करती हैं और इनका मार्केट कैप काफी ज्यादा होता है। ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स एक्सचेंजेस के सबसे बड़े इंडेक्स में शामिल होते हैं। स्टेबल बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी के कारण इनमें रिस्क कम होता है और कई केसेस में आपको रेगुलर डिविडेंड भी मिलता है। पेनी स्टॉक्स उन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैप काफी कम होता है। ये स्टॉक्स आपको 10 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक में मिल जाते हैं। इन स्टॉक्स का वेटेज किसी भी स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में ना के बराबर होता है, क्योंकि ज्यादातर छोटी कंपनीज के बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंसी कम होती है, इसीलिए इनमें निवेश करना बहुत रिस्की हो सकता है। दूसरी तरफ छोटे होने का फायदा यह होता है कि कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी होती है। यही कारण है कि पेनी स्टॉक्स एकदम से शेयर बाजार में चढ़ जाते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स में फर्क की। नंबर 1, प्राइस एंड मार्केट कैप। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड और लगातार प्रॉफिट देने की वजह से ज्यादातर ब्लू चिप कंपनीज का वैल्यूएशन अच्छा ही होता है, इसीलिए ब्लू चिप स्टॉक्स थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं। महंगे होने के कारण इनका मार्केट कैप भी ज्यादा ही होता है। इसके ठीक ऑपोजिट ज्यादातर छोटी कंपनी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं होती है, इसीलिए इनका वैल्यूएशन कम होता है। यही वजह है कि पेनी स्टॉक्स का प्राइस और मार्केट कैप कम होता है। नंबर 2, ट्रेडिंग वॉल्यूम। लोग रिनाउंड कंपनीज पर ही बेट करना पसंद करते हैं, इसीलिए ब्लू चिप स्टॉक्स में काफी ज्यादा बाइंग और सेलिंग दिखती है। इन स्टॉक्स की डिमांड लगातार बनी रहती है, इन स्टॉक्स को आसानी से कभी भी बेचा या खरीदा जा सकता है। पेनी स्टॉक्स को लेकर लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है। ब्लू चिप्स के मुकाबले पेनी स्टॉक्स को प्रॉफिट में बेचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इलिक्विड होते हैं। नंबर 3, लेवल ऑफ रिस्क। कैश सरप्लस, इनकम और प्रॉफिट के एरिया में ब्लू चिप्स काफी मजबूत होती हैं, इसीलिए इकोनॉमिक शॉक्स को आसानी से झेल सकते हैं। ऐसे में इनमें निवेश आमतौर पर काफी सिक्योर्ड होता है, और क्योंकि छोटी कंपनीज के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं होते, इसीलिए एक बड़ा इकोनॉमिक शॉक उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसीलिए पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाने में हमेशा रिस्क रहता है। नंबर 4, डिविडेंड इनकम। ब्लू चिप स्टॉक से आप लगातार डिविडेंड की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी तरफ पेनी स्टॉक से रेगुलर डिविडेंड मिलना काफी मुश्किल होता है। नंबर 5, मल्टीबैगर रिटर्न्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शेयर बाजार में स्टॉक्स की ट्रेडिंग के जरिए भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ब्लू चिप स्टॉक्स की कीमतें काफी ज्यादा स्टेबल होती हैं, इसीलिए इन स्टॉक्स की ट्रेडिंग से एकदम से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलना मुश्किल हो सकता है। पेनी स्टॉक्स की कीमतें बहुत ज्यादा तेजी से चढ़ सकती हैं और ये मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकते हैं, इसीलिए इन स्टॉक्स में एकदम से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। नंबर 6, ट्रैक रिकॉर्ड। ब्लू चिप कंपनीज के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये काफी साल से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं। इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, इससे आप आसानी से ब्लू चिप स्टॉक्स की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। पेनी कंपनीज की पुरानी जानकारी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पेनी स्टॉक्स में एनालिसिस करना मुश्किल होता है। ऐसे में निवेश के लिए सही स्टॉक्स चूज करना भी मुश्किल हो सकता है। नंबर 7, इन्वेस्टमेंट पीरियड। ब्लू चिप स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कम होती है, इसीलिए अच्छे प्रॉफिट के लिए आपको इन स्टॉक्स में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ब्लू चिप स्टॉक से अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना कम होती है। Whereas, ब्लू चिप्स के मुकाबले छोटी कंपनीज की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में अनसर्टेनिटी रहती है, इसलिए आमतौर पर पेनी स्टॉक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए सही साबित हो सकते हैं। मतलब कुछ समय इन्वेस्टेड रहिए, फिर प्रॉफिट कमाकर निकल जाइए। नंबर 8, रियल प्राइसिंग। ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदते समय ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें महंगे में खरीद लें।
स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और डिमांड होने के कारण अधिकतर ये स्टॉक्स अपनी रियल या इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड कर रहे होते हैं। पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल उल्टा हो सकता है और ये स्टॉक्स आपको रियल कीमतों से कम पर मिल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर छोटी कंपनीज के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं माने जाते। पेनी स्टॉक्स की डिमांड कम होती है और ये अंडर प्राइस रह जाते हैं। नंबर 9, पोटेंशियल टू फेस शॉक्स। ब्लू चिप कंपनी स्टेबल होती हैं, इसीलिए बाजार के अप्स एंड डाउन्स में ब्लू चिप स्टॉक ज्यादा नहीं गिरते। दूसरी तरफ छोटी कंपनीज में वॉलिटिलिटी झेलने की क्षमता कम होती है और जब उनमें गिरावट आती है तो पेनी स्टॉक्स फेस डाउन गिरते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स में उतार चढ़ाव और रिस्क कम होता है, लगातार डिविडेंड देते हैं और अच्छे प्रॉफिट के लिए आपको इनमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। वहीं पेनी स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल और रिस्की होते हैं। आमतौर पर पेनी स्टॉक्स थोड़े समय निवेश के लिए ठीक माने जाते हैं। साफ है कि कम रिस्क एपेटाइट, स्टेबल रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ब्लू चिप स्टॉक्स सूट करते हैं, वहीं पेनी स्टॉक्स हाई रिस्क एपेटाइट वाले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को सूट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आपने कभी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।